हाय गाइस, मैं आशीष कुमार फ्रॉम सिद्धिविनायक प्रॉपर्टी एंड बिल्डर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जड़ से मकान जब भी आप देखते हैं तो हमारे चैनल पे बहुत ही सारी वीडियो डली हुई हैं, काफ़ी मकान उसमें आपको वीडियो के में दिखेंगे। कुछ सोल्ड आउट हो गए हैं, कुछ नई इन्वेंट्री आ रही है। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल से बने रहिए और वीडियो ज़रूर देखा करिए। क्या हो सकता है कि आपको हमारे चैनल पर आपकी चॉइस का जो आपको आप ढूँढ रहे हैं घर, वो अवश्य आपको मिल जाए, यही हमारी कोशिश रहेगी। तो मैं शुरू करता हूँ वीडियो। अब मैं आपको लेके आ रहा हूँ ये 50 गज का जड़ से मकान जो हमारा है। ये रीसेल का मकान है, न्यू बिल्टअप नहीं है, लेकिन बहुत ही बढ़िया मेंटेन कर रखा है, वेल मेंटेन है और क्लीन मकान आपको मिल रहा है 50 गज का। लोकेशन हमेशा की तरह रहेगी द्वारका मोड़ मोहन गार्डन आपको ये मिल जाता है। मेट्रो से डिस्टेंस इसका 1 से 1.25 किलोमीटर डिस्टेंस पर आपको ये मिल जाता है। और गली सामने की बात करूँ तो गली आपको उस पर प्रॉपर 20 फुट की गली मिल जाती है। और आप मैं आपको गली का व्यू और मकान का जो फ्रंट का है व्यू है मैं आपको पहले दिखाता हूँ, देन मैं फिर आपको मकान के अंदर मिलता हूँ। व्यू आप देख चुके हैं, गली 20 फुट की मिल जाती है। अब मैं आपको मकान के अंदर का दिखाता हूं। सबसे पहले मैं मेन डोर की बात करूं तो मेन डोर पे आपको दो पल्लों का एक बहुत ही मजबूत आयरन डोर मिल रहा है, उसमें सेंट्रल लॉक लगा हुआ है। यहां पर आपको एक स्कूटी बाइक का स्पेस मिल जाता है पार्किंग का, और पानी के कनेक्शन इसमें ऑलरेडी हो रखे हैं, मीटर भी BCS का लगा हुआ है। ग्राउंड में दो रूम मिल जाते हैं, एक किचन मिल जाता है, एक वॉशरूम मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ तो फर्स्ट रूम की, तो ये हमारा फर्स्ट रूम रहने वाला है। तकरीबन 10x11 का इसका साइज़ मिल जाता है, और यहाँ विंडो सेक्शन मिल जाता है, दो पल्लों के इसमें दरवाजे लगे हुए हैं, और एक हमारा डोर यहाँ भी मिल जाता है जो हमारा पार्किंग के पोर्शन में ओपन होता है। और इस वॉल की बात करूँ तो इसमें आपका एक डेकोरेटेड आइटम टाइप का बना हुआ है, आप इसमें फोटो फ्रेम या कुछ भी लगा सकते हैं। छत हमारी देख लीजिए, छत सिंपल रहेगी। और वाशरूम की मैं बात करूँ तो वाशरूम इसमें काफ़ी बिग स्पेस में वाशरूम मिल जाता है, इंडियन टॉयलेट सीट लगी हुई है, और हाफ वॉल पे टाइल्स वर्क हो रखा है। और लेंटर और पिलर पे ये मकान बना हुआ है मजबूत, आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पिलर्स लगे हुए हैं, हैवी पिलर्स। और यहाँ पर हमारा जो है एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है, यहाँ वॉश बेसिन आपको इसमें लगा के देंगे, तो आपका काफ़ी इसमें स्पेस का आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमारा किचन का सेक्शन रहेगा, किचन इसमें आपको सिंपल मिल जाती है, आप चाहे इसको मॉडुलर करवाना चाहे तो मॉडुलर किचन भी आपको इसमें हम करवा के दे देंगे। अब मैं बात करता हूँ अपने सेकंड रूम की, तो सेकंड रूम में आपको दो डोर लग के मिल रहे हैं, एक आयरन डोर प्लस एक वुडन का डोर। आ जाइए, सेकेंड रूम में हमारा 10x10 का रहेगा, इसमें अपना बेडरूम बना सकते हैं इजीली, आपका डबल बेड प्लेस हो जाएगा। ऊपर एक वुडन का आप देख रहे होंगे अलमीरा सेक्शन बना हुआ है। तो दोस्तों, देखा आपने 50 गज का मकान जड़ से, ग्राउंड स्टोरी में दो रूम बने हुए हैं, किचन वाशरूम। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे ले जाता हूं और वहां का व्यू दिखा देता हूं। फर्स्ट फ्लोर में आपको बता देता हूं, आप स्टेयर केस से अंदर आते ही आपको एक बढ़िया सी लॉबी मिल जाती है, और दो रूम यहाँ पर मिल जाते हैं आपको, वाशरूम मिल जाता है, नीचे में किचन है, ऊपर में किचन आपको नहीं मिलती है। फर्स्ट रूम हमारा यहाँ पर मिल जाता है आपको बालकनी से अटैच रूम जो हमारा रहेगा, ये हमारा फर्स्ट रूम रहेगा 12x10 का, इसमें आपको रूम मिल जाता है, यहाँ विंडो सेक्शन मिल जाती है, यहाँ पर आप विंडो AC आराम से इस पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक बार बालकनी का व्यू देखिए, बालकनी काफ़ी बिग स्पेस में आपको बालकनी मिल जाती है आयरन के ग्रिल के साथ। अब मैं बात करता हूँ अपने सेकेंड रूम की, तो आइए, तो सेकेंड रूम में दिखाने से पहले आपको कम्बाइंड वाशरूम दिखा देता हूँ। यहाँ आपको कंबाइंड वॉशरूम मिल जाता है काफ़ी बिग स्पेस में, और देन आपको एक यहाँ पर सिंक का प्रोविज़न दे रखा है, आप अपने हैंड वॉश या ब्रश वगैरह करना चाहें। ये आपको यहाँ पर जाल का आपको सेक्शन मिल जाता है वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए। अब मैं बेडरूम की बात करूँ तो काफ़ी बिग स्पेस में ये सेकेंड रूम आपको मिलने वाला है, ईजिली आप डबल बेड लगा सकते हैं। यहाँ पर अलमीरा सेक्शन दे रखी है काफ़ी बिग स्पेस में, पूरी वॉल टू वॉल, और आपको ऊपर तक आपको स्टोरेज का सामान मिल जाता है,
काफ़ी स्पेस आप इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। वुडन केल भी आपको मिल जाती है। और ये हमारा विंडो सेक्शन आपने शुरू में अच्छा देखा होगा, मैं दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ आप अपना वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो सेक्शन मिल जाता है, आप चाहे तो इसमें विंडो एसी भी लगा सकते हैं। और चर्च से मकान आपका हमारा ये 50 गज का रहेगा, बहुत ही बढ़िया बना हुआ। अब मैं आपको ले चलता हूँ छत पे और छत का भी दिखा के वहीं वीडियो ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों छत का मैं आपको बताता हूँ, आपको एक बहुत ही बिग स्पेस में यहाँ पर आपको छत मिल जाती है, प्रॉपर यहाँ पर सनलाइट आती है। और ये मॉम्टी का सेक्शन हमारा रहेगा, बालकनी आपको मिल जाती है, यहाँ पर आप चाहें तो अपने वॉशिंग एरिया या कपड़े सुखा सकते हैं। टैब आपको यहाँ मिलता है, यहाँ अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। और एक यहाँ पर वॉशरूम भी बना रखा है कम्बाइंड। और एक हमारा जो है स्टोरेज का सेक्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है छत पे, इसको आज ले आप स्टोरेज या अपना कोई सामान रखना चाहें तो उसमें आप कैसे भी आप यूटिलाइज करना चाहें हो सकता है। काफ़ी बिग स्पेस में आपको ये रूम मिल जाता है, 12x14 के आसपास एक छोटा सा किचन सेक्शन यहाँ मिल जाता है। यहाँ एक जाल का पोर्शन दे रखा है वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए। तो आई होप आपको ये 50 गज का जड़ से मकान पसंद आया होगा वीडियो में। और लोकेशन हमेशा की तरह द्वारका मोड़ मोहन गार्डन रहेगी। और भी इन्वेंट्री हमारे पास है मकानों की, 30, 40, 50, 60 गज, जैसे आपको चाहिए हम पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, हम आपको आपकी चॉइस की प्रॉपर्टी विजिट करवा देंगे। और प्राइस के रिगार्डिंग हमें कॉल करके पूछ सकते हैं कि प्राइस क्या है प्रॉपर्टी का, और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ प्राइस का मेंशन है। लोन नंबर ये प्रॉपर्टी है, 70-80% लोन इस पर मिल जाएगा। और स्क्रीन पे हमारे नंबर आ रहे होंगे, आप हमें कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके ये प्रॉपर्टी विजिट करना चाहें तो कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये 50 गज का जड़ से मकान का वीडियो पसंद आया होगा, आप हमें सेवा का मौका जरूर देंगे। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।